हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपका जो शेयर है, आज का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। और आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले टाइम में आने वाली है। जितनी भी डीजल और पेट्रोल की जो कारें हैं, जो चलती है, जितने भी व्हीकल्स चलते हैं, ओके, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आगे चल के हमें तब्दील होते हुए नजर आएंगे। ओके, इससे रिलेटेड एक शेयर है, छोटी क्वांटिटी का शेयर है, स्मॉल कैप कंपनी है, और शेयर की कीमत ज़्यादा नहीं, 40 से 45 रुपए के आसपास है, और इसी गिर्द में वो घूम रही है। बट फ्यूचर में वो मल्टी बैगर साबित हो सकती है, क्योंकि उसका बिजनेस है वो उसी से रिलेटेड है। तो आइए वीडियो से रिलेटेड बातें करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, और बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहे। और इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं। एक फ्री में आपका डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ हो जाएगा, सेबी रजिस्टर्ड है, नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है, एज वेल एज एक दूसरा लिंक हो रहा है। आपको पता ही है, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकी सीधी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा, और अपनी इच्छा अनुसार आप पुण्य काम में दान दे सकते हैं और मदद कर सकते हैं मंदिर को बनाने में। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें मैं करने वाला हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारी बातें जिससे रिलेटेड होने वाली है, चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ पहले। तो अगर हम देखें तो शेयर अभी लगभग 45 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, ओके, और शेयर की कीमत छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पर जंप भी देखा गया है, कब की बात है, 17 फरवरी के बाद। और 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें, थोड़ा सा नेगेटिव में है, नो डाउट, ओके, यहाँ पर गिरता हुआ आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ईयर टिल डेट, 1 ईयर की भी आप देखेंगे तो नीचे से 29 रुपये का शेयर 46 रुपये तक पहुँच चुका है, 60 तक गया था फिर नीचे आया। 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पॉजिटिव दिखाई देता है, बट उस तरीके के अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं है जिसकी हम एक्सपेक्ट कर सकते रहे हैं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आपको पता ही है, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में होता है कि आप कोई शेयर भागता है तो इस तरीके से भागता है कि वो आपको इतने मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, और गिरता है तो इसी तरीके से आपको गिरता हुआ नजर आएगा। बट जैसे कि बात मैंने आपको बताई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये शेयर है, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये बहुत अहम भूमिका प्ले करेगा, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ओके, उस मार्केट में। तो आइए इसी से रिलेटेड बातें करते हैं और भी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 52 भी लो की बात करें, 27 रुपये का 24 मार्च को शेयर था, 21 अगस्त को 63 रुपये का पहुँचा। ट्रेड क्वान्टिटी की अगर बात किया, 40% तक के शेयर, लगभग 11,73,000 शेयर यहाँ पर हमें डिलीवरी बेसिस पर उठते हुए दिखाई दी है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो देखिए, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी यहाँ पर स्लाइटली कम करता हुआ हमें नज़र आया है। पब्लिक ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी वहाँ पर पब्लिक ने ले ली है, और डिविडेंड कंपनी हर साल देती आई है, और जो कि पैसों में है, 10 पैसे 10 पैसे 15 पैसे इस तरीके से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी कंपनी ने कोई भी शेयर अपने प्लेस नहीं कर रखे है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और कंपनी का जो नाम है, कंपनी का नाम है हिमाद्री, अगर यहाँ पर देखा जाए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। कंपनी अब करती क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ईवी से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट में देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिथियम आयन बैटरी। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो व्हीकल्स है, ओके, जो डिवाइसेस है उसमें बैटरी लगेगी, तो बैटरी कौन सी लगेगी, लिथियम आयन आयरन आयन बैटरी। तो ये वही कंपनी है जो उससे रिलेटेड काम करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लियन बैटरीज, ओके, वो चार्ज करने के लिए जो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत न्यूट्रल एंड सिंथेटिक वेराइटी ऑफ एनोड मटेरियल फॉर लाइन, सॉरी, लियोन बैटरीज, लियोन बैटरीज आर यूज इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, एज वेल एज इनका जो बिजनेस का वो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, ओके, कंपनी काफ़ी सारी डाइवर्सिफाइड है। अगर बात की जाए कार्बन मटेरियल से रिलेटेड, ये कंपनी करती है कार्बन ब्लैक, जो कि आपको पता ही है टायर्स में यूज़ होता है। अगर बात की जाए कोल टार पिच, उसमें ये कंपनी काम करती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, ओके, पावर में कंपनी काम करती है, टायर्स में कंपनी काम करती है, तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। एल्यूमिनियम से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, तो कंपनी काफ़ी बड़ी है। इसका कहने का मतलब है कंपनी काफ़ी बड़ी है,
साइज में काफ़ी कम है, बट कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन है अगर बात की जाए काफ़ी कुछ ज़्यादा है। कार्बन प्रोडक्ट्स अगर देखें, मिसाइल्स वगैरह में भी, मतलब डिफेंस में भी काम करती है, PPSC, SNF, स्पेशल ऑयल्स, कार्बन ब्लैक, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। अगर बात की जाए यहाँ पर, तो कंपनी डिविडेंड तो देती आई है जो मैं आपको बता ही दिया है, बोनस अभी तक नहीं दिया है। स्प्लिट एक बार हुई है 2010 में, राइट इशू काफ़ी बार यहाँ पर दो बार लाते हुए दिखा है 94-95 में, तो ऐसा मतलब कंपनी काफ़ी पुरानी भी है। अगर हम इसके कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो फाइनेंशियल अगर हम यहाँ पर देखें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है। दोबारा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, भागेगी तेज तो गिरेगी भी उसी तरीके से तेज, तो इन्वेस्ट हमेशा छोटी स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा ही रखना चाहिए, बेशक से कितना ही मल्टी बैगर फ्यूचर में बनने का। और मल्टी बैगर और फ्यूचर से रिलेटेड बातें एक आध दिन की नहीं है, इसकी बात है 5 से 10 साल की, क्योंकि इसे कन्वर्ट करने में, एक हैबिट को कन्वर्ट करने में, एक व्हीकल्स को पूरा डीजल और उससे कन्वर्ट करने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लाने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। सो इट इज़ नॉट अ लाइक अ क्विक थिंग कि अभी का अभी चुटकी बजाई और अभी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और बुक वैल्यू के आसपास 40 है, तो उसके आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, और ROCE से 11% का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर सेल्स की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बीच में कंपनी कुछ रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, गिरती ही जा रही थी, और फिर उसके बाद अभी देखिए बैक टू ट्रैक आया है। 467 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर सेल्स होती है, और प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 17 करोड़ रुपये का आया, जो पिछले 2-3-4 क्वार्टर से सबसे ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर देखी जाए रिजर्व्स और बोरिंग की, तो रिजर्व्स कंपनी का 1676 ओके 1646 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर रिजर्व्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट यहाँ पर कंपनी का बोरिंग बढ़ना, या अगर हम देखें कुछ एक साल से 2 साल से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोरिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, 476 से 505 और अभी 596। बट इन्वेस्टमेंट कंपनी का ने 84 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज कैश की बात की जाए तो 196 करोड़ रुपीज़ के कैश पे बैठी हुई है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अच्छा 282। अगर बात की जाए अब यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्रमोटर्स के पास जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर लगभग 3% की हिस्सेदारी कम करती हुई दिखाई दी है दिसंबर क्वार्टर में। अगर फॉरेन इन्वेस्टर और DIS की बात की जाए, तो फॉरेन इन्वेस्टर देखिए थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी ले ली है, 0.72% की हिस्सेदारी है, DIS ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है इसमें से। और पब्लिक की बात की जाए, तो पब्लिक के पास यहाँ पर कितने शेयर पर निकल के आते हैं, तो पब्लिक के पास यहाँ पर निकल के आते हैं 19% के शेयर, केवल 19% के शेयर ही कब पब्लिक के पास है, बाकी शेयर या सभी प्रमोटर्स के पास है, या फॉरेन इन्वेस्टर या DIS या फिर HNIs के पास यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा शेयर था, तो इसमें कभी भी अगर इन्वेस्ट करने की आप सोचें, तो पहले तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की अपनी हेल्प ले लीजिएगा, खुद की स्टडी कर लीजिएगा। और छोटा शेयर है, इस पर आपको अगर छोटा पैकेट है तो आप, और EV से रिलेटेड के लिए मैंने ये बताया, तो ये आपको लंबा टाइम इंतजार करना पड़ सकता है। ओके इसमें इन्वेस्ट अगर वही करे जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, और जो भी इन्वेस्ट करे वो केवल छोटा ही इन्वेस्ट करे, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करे, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो आपकी आपके खुद का चैनल है, इसे ग्रो करने में मदद करिए। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास मैं हमेशा लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।